पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने दक्षिण अफ्रीका से टिप्पणी करने की माफी मांग ली है। हालांकि पाक कप्तान के लिए यह मामला ये खत्म नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर आईसीसी सरफराज के खिलाफ कार्रवाई की नींद दे सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि आईसीसी सरफराज को अगले मैच के लिए सस्पेंड कर सकती है। सरफराज ने एक ट्वीट में लिखा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगता हूँ। हालांकि शब्दों के माध्यम में मैंने किसी का टारगेट नहीं किया था और मेरे मकसद भी नहीं था कि मैं किसी को अपमानित करूँ। मैं भविष्य में इस तरह के कमेंट करने से बचूंगा। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच डर्बन में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान एंडी फेहलुकुयो पर सरफराज को नस्लीय टिप्पणी स्टंप माइक में कैद हो गई। दरअसल सोशल मीडिया पर सरफराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरफराज दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर एंडी फेहलुकुयो को काला कह रहे हैं। दरअसल उनकी यह टिप्पणी स्टंप के कैमरे में कैद हो गई थी। सरफराज इस कॉमेंट के क्रिकेट जगत में अफसोस मचा है। PM News 24 की रिपोर्ट।